आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने इसके 3 पार्ट्स पढ़ लिए थे, इनको भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे यार। लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है यार आपकी अपनी स्टडीगढ़ फैमिली में। चलो अब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर जो थर्ड क्वेश्चन है ना, उसमें यही कह रहा था कि भाई जो भी आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनके जीरोस निकालने हैं। मींस ये जो जैसे यहां पर आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इसके आगे कुछ वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। तो अगर इनकी वैल्यूज हमको इसमें रखनी है और इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो जो ये दिया गया है एक्स की वैल्यू वही उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने बात भी करा था कि जीरोज क्या होता है। जीरोज यही होता है कि भाई जिसकी वैल्यू अगर हम किसी पॉलिनोमियल में रख दें, जिस भी वैल्यू को, ठीक है, अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तो जिस वैल्यू को हमने रखा हुआ था, जीरो आया था जिस वैल्यू को रखने पर, वही उसका जीरो हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी करनी है आपको यार। जैसे यहां पर इसका देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन है आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आपका दिया है पी एक्स इक्वल में एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। अब यहां पर एक्स की वैल्यू है माइनस वन एंड टू, तो बारी बारी से हमको इन दोनों को रख करके देखना है कि भाई क्या सही है हमारा, कि मतलब जीरोज आ रहे हैं इन दो, ये दोनों जीरोज हैं कि नहीं है। मीन्स की चाहे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं जीरोज। सही बात। तो चलो करके देखते हैं तभी पता चलेगा। तो पहले हम लिखेंगे पुट एक्स इक्वल माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर दो हैं तो पहले एक हमको तो करना पड़ेगा ना, कि हाँ यहाँ लिखना पड़ेगा कि हम कौन सा पुट कर रहे हैं पहले। तो आओ करते हैं। तो p माइनस का वन हो जाएगा, जहां जहां पर x दिख रहा है भाई वहां पर माइनस कर दो। माइनस वन हुआ, प्लस का वन हुआ, यहां पर भी माइनस वन, माइनस का टू हो जाएगा। माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहां पर अब चाहे जो भी आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा जीरो में तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहां पर ही मैं लिख देता हूं यहां जीरो। बात क्लियर हो रही ना, यहां पर कैसे जीरो आया भाई। माइनस वन प्लस वन है, अपोजिट में जीरो होगा ही, और यहां पर आपका कुछ भी आ जाता, कितना भी आ जाता, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही हो जाएगा। जीरो की ये पावर है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, ये तो जीरो हो गया। अब यहां पर रखते हैं x की वैल्यू टू, तो यहां लिखेंगे पुट x इक्वल टू टू। तो रख करके देख लेते हैं, तो फी टू यहां पर होगा, जहां जहां पर x है आप टू रख देते हैं। टू प्लस का वन एंड टू माइनस का टू। सेम इसमें भी वही देखो, टू प्लस वन थ्री तो हो रहा है, चलो अच्छा मैं थ्री यहां पर लिख दे रहा हूं, इनटू का टू माइनस टू क्या हो जाएगा भाई। टू माइनस टू करोगे तो जीरो होगा। अब यहां पर कुछ भी रहा होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो भाई साहब आ गए हैं, आओ लड़ लो मुझसे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही चीज मैंने बताया भी था यार, कि जब भी आपको किसी भी वैल्यू को रखते हैं किसी पॉलिनोमियल में और वैल्यू जीरो आ जाती है, तो यानी कि जो भी आएगा आपका वैल्यू यहाँ पर जिसको हमने रखा हुआ था, वही क्या हो जाएगा आपका, उस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। यानी कि माइनस वन एंड आउट टू क्या हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे हेंस एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड टू आर द जीरोज ऑफ the polynomial क्या है आपका polynomial पी एक्स इक्वल में एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस का टू, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पर हमने लिखा हुआ है ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस में लिखने हैं अब, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, अब लिख लेना तुम खुद से यार, ठीक है। आओ इसमें देखते हैं, x की वैल्यू यहां पर पहले से ही जीरो दी गई है। अब यहां पर जीरो रखोगे तो कितना आएगा, वैसे देखने से ही पता चल रहा है कि भाई जीरो है, बट देखने और करने में कहीं कहीं फर्क होता है, यहां पर फर्क नहीं है, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहां पर जीरो हो गया और जीरो का स्क्वायर हो गया, तो पी जीरो की वैल्यू आ गई यहां पर जीरो। तो यहां लिख देना भाई हेंस एक्स इक्वल टू जीरो इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, यहां लिख लेना ऐसे जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है। आओ इस पर चलते हैं, क्योंकि इसमें तो और कुछ करना ही नहीं था, बड़ा इजी था यार। यहां पर आपको दिया है एक्स की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल। क्वेश्चन बड़ा अजीब दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता यार,
उसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है, पहले आप उसको देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, तब तो घबराओ, ठीक है। पहली चीज तो घबराना ही नहीं है, ये आपने कई बार सीखा भी होगा। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, जहां जहां पर आपको एक्स दिख रहा है वहां पर माइनस वन माइनस एम अपॉन एल रख दो। आओ पी माइनस एम अपॉन एल, एल है माइनस एम अपॉन एल, प्लस एम है ना। देखो अब यहां पर ये अंदर है, अंदर तो पता ही है कि मल्टीप्लाई और अंदर और बाहर का मल्टीप्लाई होता है ना, बट जो नीचे वाला होगा उसमें तो डिवीजन तो होगा ही ना, तो क्या करेंगे एल से एल कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर बचेगा आपका माइनस वन एम प्लस का एम, अब देखो यहां पर अपोजिट साइन है और सेम ही अगर आपका दिख रहा है दोनों जगह पर, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो, यानी कि ये जो आपका माइनस का एम अपॉन एल है वो भी आपको आपका क्या होगा, जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का। तो यहां पर ये लिख लेना भाई, हेंस एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन माइनस वन बोला हूं ना, ठीक है, माइनस एम अपॉन एल इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसके आगे के भी दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं यार, सॉल्व कर लेना। आई थिंक कुछ बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, बट जिन्होंने नहीं सॉल्व भी किया है कर लेना यार। बाकी मैं बताऊंगा भी दो क्वेश्चन, वो जो बचे हुए हैं उनको भी मैं बताऊंगा। ओके, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत डाउट नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उनमें से कोई भी डाउट बनते हैं, कोई क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारे मैथ के जितने भी वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, उसमें किसी में भी कमेंट कर देना कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई। हालांकि रिलेटेड क्लास में ही अगर यार क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो चलो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।